आज हमारे साथ हैं चीफ रीजनल नॉर्थ कश्मीर सुशील कुमार जी, जिन्होंने आज कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर अफसरान के साथ मीटिंग रिव्यू मीटिंग और उसमें तमाम चीज़ों पर हुआ तबादला ख्याल, खासतौर पर सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने और पुलों पर जो काम चल रहा है उस हवाले से भी उन्होंने जानकारी हासिल की। तो बराह रास्त हम बात करेंगे चीफ रीजनल नॉर्थ कश्मीर से सुशील सर से ही, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था खास। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो उसके बाद मुझे लगा कि सबसे मेरे एरिया का सबसे प्रायोरिटी एरिया है कुपवाड़ा सेक्टर, तो मैंने यहाँ पे एक अपने ऑफिस के साथ जनरल रिव्यू लिया है। डिटेल में रिव्यू तो टाइम टू टाइम स्कीम वाइज लेंगे, तो जैसे जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ का, डे टू डे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको डिटेल में जाएंगे और उसको टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आज तो ओवरऑल जनरल रिव्यू था। तो एक बात है कि आज मौसम भी अच्छा है, यानी कि आज मैग्नमाइज का मौसम है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कुपवाड़ा ज़िले में आज अगर नॉर्थ की बात करें तो काम तो बहुत सारे प्रोजेक्टों पर चल रहा है, खासतौर पर सड़क प्रोजेक्टों पर, और कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ भी किया गया, लेकिन अभी भी कई सड़क प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज भी खस्ता हाली के शिकार हैं, लोगों को चलने फिरने में मुश्किल। उन प्रोजेक्टों पर कब तक मैग्नमाइज होगा तारकुल बिछाया जाएगा? जैसे जैसे जो हमारी स्कीम्स अप्रूव्ड हैं वो तो सारी की कोशिश करेंगे, अभी टाइमलाइन के हिसाब से ख़त्म करेंगे, जो अप्रूव्ड स्कीम है टाइमलाइन में ख़त्म करेंगे उसको। एक और बात है कि अभी भी अगर हम कहेंगे कई पुल ऐसे हैं जिन पे या तो 4 या 5 साल से काम जारी है, कई पुल ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग नहीं हुई है, काम रुका है, तकरीबन 22 के करीब यहाँ पर पुल थे जिन पर काम जारी था और कई दिनों से रुका भी पड़ा है, उस हवाले से आपने कोई रिव्यू लिया है कब तक वो ठीक होंगे ताकि लोगों का जो एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो कट हुआ? अभी मुझे थोड़ा रिव्यू करने में टाइम लगेगा, मैंने कहा आज जनरल रिव्यू था, पुलों की डिटेल्स मैं लूंगा वन बाई वन लूंगा, जैसे जैसे जिस जिस पुल में जो जो प्रॉब्लम होगी कोशिश करेंगे उसको हल करेंगे। पर एक लोला बाईपास रोड है जिसका इनॉग्रेशन भी हुआ, लेकिन अभी भी वो एक छोटा सा कॉर्नर है, उस पर मैग्नमाइज की जरूरत है लोग, उसमें मुझे अपने ऑफिस से डिटेल लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको कुछ कमेंट कर पाऊंगा। आखिर पर यही कि क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से तामीर तरक्की की रफ्तार, जिस तरह हम LG इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गाँव देहात को सड़कों की तरफ जोड़ का काम है या सड़कों की कुशादगी का अमल है, तो बराह रास्त आपने बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाला, क्या आपको लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती है आपके दौर में? मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हो गया है, काफ़ी कुछ करना बकाया है, जो बकाया है उसको कोशिश करेंगे, जिस स्कीम में हम कोशिश करेंगे डाल के अपने से बेस्ट लोगों को फैसिलिटी मिले और हम लास्ट कॉर्नर तक पहुँचे। तो ये थे चीफ इंजीनियर चीफ नॉर्थ कश्मीर सुशील जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में नॉर्थ कश्मीर में मज़ीद तब्दीलियाँ आ सकती है, खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से, सड़कों की खस्ताहाली को दूर किया जाएगा और पुल जिन पुलों पर काम जारी है उन्हें भी फौरी तौर पर आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। नेटवर्क के टीम के लिए यहाँ सुनता ने आज कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया। तो इस बीच DDC मेम्बर द्रगमुला एडवोकेट आमला मजीद ने कारकुनों के हमरा उनसे मुलाकात की, मुख्तलिफ वफूद उनसे मिले, जो लोगों के मसाइल हैं वो उन्होंने उनके साथ उठाए। आमला जी, क्या लग रहा है किस तरह के मसाइल जो है आपने चीफ इंजीनियर के साथ उठाए, खासतौर पर सड़कों की खस्ता हाली को दूर करने के लिए? देखिए यह साहब, आप खुद जानते हैं कि इस बार मैग्नमाइजेशन रोडों पर चल रही है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी, बहुत सारे रोड्स वो कवर हुए जो आज तक नहीं हुए थे, उसके लिए मैं चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे SC साहब, हमारे यहाँ पे एक्जन साहब, और सबसे बड़ी बात हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है, मिस आयुष सुदन जी। तो अब इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि गुलगाम एक बहुत बड़ा एरिया है, 4 पंचायतों पे मुश्तमिल है, हमारा एक प्रोजेक्ट है 2006 का प्रोजेक्ट है, नाबार्ड प्रोजेक्ट, तो वो आज तक ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वो आज तक अप्रूव नहीं हुआ, TS उसमें मिली, एकार्ड उसमें आया, मगर फंड्स उसमें रिलीज़ नहीं हुए। आज गुलगाम से हर शोबे से हर तबके से एक वफद यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब से हम मिले, हमने उनको एक रिकमेंडेशन दे दी अपनी तरफ से कि ये जो नाबार्ड प्रोजेक्ट इतने सालों से पड़ा है तो इसमें कोई ना कोई पेशरफ्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे रोड्स गुलगाम पूरे गुलगाम एरिया के हैं वो थोड़े बहुत मैगडम इस साल हुए हैं, मगर जितनी मैगडमाइजेशन वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि रोड्स ख़राब हैं, वो रोड्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो और लोगों की ये उम्मीद है कि इस बार
अब जब इस बार थोड़ा सा काम हुआ तो लोगों की उम्मीद और बढ़ गई कि हमारा प्रोजेक्ट भी ये अप्रूव होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट भी सैंक्शन होना चाहिए। इसलिए मेरी अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की और चीफ इंजीनियर साहब से, एससी साहब से, जो हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ा है तो ये सैंक्शन होना चाहिए और ताकि हमारे लोगों को ये रिलीफ एक मिले।